और ज़िले के बहुत सारे किसान यहाँ आकर के अनार की खेती में फलदार ये इसकी पौध लगाने से लेकर के इसमें जो है उर्वरक देना, इसमें जैविक खेती से इसको कीट रोग प्रबंधन करना, पक्षियों से बचाव कैसे किया जाए, इसकी अपनी देसी विधाओं से हमारे ज़िले के किसानों को रूबरू कराते हैं। यहाँ पे न केवल मेरे ज़िले के किसान बल्कि देश के जाने माने कई वैज्ञानिकों ने भी यहाँ भ्रमण किया है, और ये रामकरण जी ने इस अपने खेत में फल उत्पादन के साथ साथ नए नए प्रयोग इस फल की खेती में करते जा रहे हैं। अनार में हर महीने ये जो नए प्रौढ़ निकलते हैं उनकी कटिंग करके उस एनर्जी को फल में कन्वर्ट करना इन्होंने एक नई खोज के रूप में विकसित की है, जो अपने बगीचे में तीन फेज में कर रखा है। हर माह कटिंग करना, छः महीने तक कटिंग नहीं करना, साल भर तक कटिंग नहीं करने के क्या परिणाम आते हैं ये स्पष्ट बगीचे को देखने से पता लगता है। मैं तो इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि किस वैज्ञानिकों की खोज और विभाग के प्रचार प्रसार और रामकरण जी की मेहनत का ही ये फल है कि हमारे ज़िले में ये अनार का बहुत ही सफल और जिसको हम कहें कि प्रगतिशील कृषक द्वारा स्थापित हमारा ये बगीचा है। और इस बगीचे में न केवल रामकरण जी अपने अपने पूरे परिवार की आजीविका चलाते हैं, बल्कि हमने इस फार्म को एक मॉडल के रूप में ज़िले में पहचान दी है। ये हमारे इस कृषक की जो है एक वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है कि इसमें नए नवाचार करके और ये इसकी उत्पादन की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।